पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपने हम लोग में बहुत लकी मान दी है कि इन्ने अच्छे डायरेक्टर दे नाल, इन्ने वड्डे डायरेक्टर इंटेलिजेंट और जिन्हें तो पता ही है तुम कि हिट फिल्म है उन्होंने नाल मेरी शुरुआत हो रही है एज ए प्रोड्यूसर। और देव खरौड़ की कमायना बारे सारिया फिल्म हिट है इन्हों दियाँ, सारे लोग जानते हैं इन्ने वे स्टार ने सुपर हिट फिल्म इन्हों। फिर गुरप्रीत कूगी जी ने और हैड इन है अपनी गुस्सा और है मैं तो गुस्सा मैं पहले कभी गुस्सा नहीं देखा मतलब गुस्सा नहीं आता था ये गुस्सा करोगे तो कॉमेडी फिल्में बननी है नहीं है ना क्योंकि माहौल था वो जो चाहिए कि खुश खुश रहे सारे का ही चंगा काम होता है ताई कॉमेडी फिल्में बनती है जी। फिल्मों के बीच बहुत सारी जो सीरियस मैटर ना चाहिए तो पहुंचे जी देखो जी मैं तो उन्होंने उधर रखा जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो दो सीन्स के भी रोल किए उदारियाँ वगैरह सीधे शायद दो सीन करते भी देखा होना है पर मैं मैं बहुत अच्छे लगे से जो आए असी देख रहे थे कास्ट के नाल एक फ्रैश फेस तो उन्होंने मदद के नाल आए थे उन्होंने कहा कि असी बहुत अच्छा काम करेंगे और प्लीज़ मेरी बेटी को चांस दो। तो मैं हमेशा तो यह रहा है कि मैं जो भी कोई काम करूँगी या कोई भी प्रोजेक्ट कराऊँगी तो मैं नवे नवे चेहरे चाहे वह मुंडे हो या कुड़ियाँ जड़े तो बेचारे की स्ट्रगल ही करके रहते पूरी जिंदगी उत्थे तक पहुँच ही नहीं सकते और अच्छे अच्छे एक्टर्स तो मैं हमेशा चाहनी और उपासना मैम के प्रोडक्शन हाउस की फस्ट फिल्म है, इन्होंने पहली फिल्म प्रोड्यूस की है। सो नाल इन्होंने अपना बेटा नानक डेब्यू करा रहे हैं। सो बहुत फ्रैशनेस है फिल्म जी के, इस फिल्म का जॉनर फ्रैश है, फ्रैश प्रोड्यूसर ने नानक फ्रैश है, शैली सूरी जी ने और कुड़ी मिस नाज कौर संधु मिस यूनिवर्स डेब्यू है जी। सो काफ़ी चीज़ा नवी ने फिल्म के है ना, और एक्शन ते कॉमेडी फस्ट टाइम पंजाबी सिनेमे दे विच सुनील भाजी ने बनाई है, जिदा तुसीं रोहित शेट्टी का सिनेमा सारे देख रहे हो और बहुत इंजॉय करोगे, इंटरटेनिंग फिल्म है और एक्शन बहुत कमाल का, कोई नीवे पद्धर का एक्शन नहीं है, साउथ का एक्शन है जी प्रॉपर। और तुम्हें देख सारे ने ट्रेलर बहुत पसंद किया और मैं सारे यही कहूँगा जी इस कोई मैसेज नहीं असं दे रहे, सिर्फ इंटरटेनमेंट 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 जिद पैसे खर्च दो टिकट खरीद दो सो थोड़े पूरी टिकट का पूरा मुल होगा। तुम पंजाबी फिल्म तो अक्षय कुमार कह सकते हैं जो कॉमेडी भी करता तो फाइट भी करता, भाजी ये मेरा फर्स्ट है, देखो जो चल गई फिर कह सकते हो और परमात्मा की वाहिगुरु की कृपा नाल तुहाडे आशीर्वाद नाल गुरु की नगरी च आया आशीर्वाद लैण बाबा जी का, चल गई फिर भाजी अक्षय कह लो जी कह लो जो टैग दे दो मंजूर है। सर भाई हुण तक सारे सीरियस कोई नहीं, कॉमेडी तो ही शुरुआत की थी, फिर इलेक्शन च आए फिर तुम कॉमेडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, कॉमेडी ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੜਾਈ ਆ, ਦੇਖ ਲੋ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਭਾਈ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਫ ਐਂਡ ਟਫ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕ 2 ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਕਢਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਰੀ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁੱਟਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪਰ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ, ਕਮੈਂਟਸ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੀ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲਏਗਾ ਉਹ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਮੇਨ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਤਾਂ ਜੀ ਔਡੀਅੰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਏ ਮਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਂਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਫਾਈਟ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰੋਫ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ
जिदा यूथ फेस्टिवल्स वगैरह चे हमेशा जितदा है। बहुत सारे अवार्ड्स ने ये असली अवार्ड जिहड़ा हुण ओह होएगा जदों ये इस फील्ड च भी जीत के दिखाएगा। अपने बेटे नाल पहली बारी स्क्रीन शेयर कर रहे हो मैडम, जाना पै गया तुहानू कोर्ट दे विच संधू दा करके एक कोर्ट ने कोई जस्टिस दित्ता तुहानू हुंदा कि नहीं इन्ने दिनां दे विच? देखो जी तुहानू सारयां नूं पता कोर्ट दा काम बहुत ही स्लो हुंदा है, इदां नहीं कि इमीजिएटली कोई भी चीज़ हो जाती है, पर मैनूं अफसोस सिर्फ इस गल दा कि कोर्ट दा भी उन्होंने कोई परवाह नहीं की, हाले तक उन्होंने वालों कोई रिएक्शन नहीं आया। और तुहानू तां हुण पता लगा है ना कि ये किस्सा हो गया या इदां, तुसीं सारे मैनूं बड़े सालों तो जानते हो, तुहानू पता है मैं कभी कोर्ट नहीं गई हाँ, मेरी कभी इदां दी कभी कॉन्ट्रोवर्सी हुई नहीं, पर हुण मैनूं कोर्ट जाना इस करके पिया। मैं ना 5 महीने तो लगातार कोशिश कर रही सी उन्होंने मिलन दी कि मैं फोन करन दी भी ट्राई की, मैसेजिस किए, मतलब मेल्स कीतियाँ, और मैं एक नोटिस भी भेजिया जिहड़ा तुहानू किसी नूं नहीं पता, मैं कोर्ट वालों उन्होंने नोटिस भी भेजिया अज तो 5 महीने पहला कि हरनाज तुसीं सानूं 25 दिन लिख के दिते, सिर्फ 5 दिन दे दिओ, असीं 5 दिन च ही काम कर लांगे, नहीं तो फिर असी केस करांगे। मैंने सारे ने कहा जो इदा नोटिस जाएगा कोर्ट वालों फिर जरूर रिएक्ट करेंगे वो ना, पर उन्होंने उदा भी कोई रिएक्शन नहीं दिता, उन्होंने कोर्ट की भी कोई कदर नहीं। तो बाकी हूँ तो अभी बहुत नेड़े आ गए जी फिल्म। कासना जी पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हो बेटे अपने अपने बेटे का पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हो हाँ जी, किस तरह का एक्सपीरियंस है अपने बेटे क्योंकि काफ़ी स्टार्स ने काम किया, अपने बेटे का काम करके कि बहुत अच्छा लगा क्योंकि नानक जिहड़ा हैगा वह अच्छा ट्रेनड एक्टर है, इदा नहीं है कि उन्होंने काम करना नहीं आता, जिमें कि तुहानू देव जी ने भी दस्या, समीप जी ने भी दस्या, और मैं इदा नहीं देख रही सी कि वह मेरा बच्चा है, इस करके मैं सब तो ज़्यादा नुक्स, मैं सब तो वड्डी क्रिटिक है उसकी, तो मतलब जिन्हों लोग एपरीशिएट भी करते ना, मैं कहती नहीं तेरे च यह है, समीप जी जो उन्हों सॉरी समीप जी, पर जो समीप जी कह दें सी वेरी गुड, तो भी मैं उसको जाके कहती सी इदा कर लेंदा तो होर ज़्यादा चंगा लगना सी मतलब मैं उसकी बहुत वड्डी क्रिटिक है, तो पर मैं पूरा यकीन है। और तुम जो देखोगे मैं कि कहां, तुम वे गाने देखे है तो पता ही है कि काम कर रहा है, तुम वह ट्रेलर देखे तो मैं तो चंगा ही कहूँगी, पर असली जी जजमेंट है तुम दसीओगे कि हाँ जी मेरा कॉमेडी है जी, मैं हसाऊंगी थानू, तो गुरप्रीत घुग्गी जी के नाल है, मैं समीप जी के नाल होर भी बहुत फिल्म, होर भी तुम मैं कई कॉमेडी फिल्मों देखा, तो मैं हसाण से यकीन करती हाँ, मैं रवान से यकीन नहीं करती, सो मैं हमेशा इदा कोशिश करती हाँ कि मैं यही सोचा कि जो मैं खुद भी प्रोड्यूस करूँगी फिल्म तो वह कॉमेडी होगी, ताकि लोग असं आप वैसे ही बड़े दुखी रहने लाइफ से, कोई ना कोई तंगियाँ, कोई ना कोई परेशानी, और साढ़े पंजाबी हमेशा हंसना खेडना पसंद करते हैं, सो ये उही फिल्म है। जैसे मदर किस तरह लेंदे अपने बेटे नूं काम करदे देख के? बहुत चंगा लगता है, तुहानू भी जदों तुहाडे अच्छे मार्क्स आते होंगे स्कूल च या तुहानू जॉब मिली होगी तो जो तुहाडे पेरेंट्स ने फील किया होगा उ मैनू फील होंदा है। हाँ तो पुत दोनों बैठे हुए हैं तो सानू पता लगना है कि 19 अगस्त तो की रिजल्ट आ रहा, तो मैं तो यही कहूँगा जी तुम मैनू भी सपोर्ट करो, मम्मी जी ने भी सपोर्ट करो, क्योंकि मैं जिदा जानता कि मम्मी जी की भी डेब्यू है तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मैंने नहीं लगता पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से कोई फीमेल आर्टिस्ट ने कि इन्ने वे बजट की फिल्म बनाएंगे, तो जो हूँ उन्होंने इन्ना बोल्ड स्टैप लिया है तो तुम जरूर उन्होंने भी सपोर्ट करनी है जी। टाइगर सर तो बहुत ही तुसी सारे जानते हो कि कैंट एक्शन करते हैं बॉम्बे से, मैं उन्होंने इंस्टीट्यूशन से काम उन्होंने सीखता बेसिकली, तो उधर आप सारे फ्लिप्स जिन्हें भी किक्स होंगे ने मार्शल आर्ट्स होंगे ने उधर मैं 3 साल तो ट्रेनिंग ले रहा उत्थे, तो हूँ तुम इस मूवी से भी देखोगे तो अगे भी मैं एक्शन करते हो। ये मेरे सब तो वड्डे दोस्त ने फ्रॉम फ्रांस और इन्होंने काम भी किया इस मूवी से, इन्हों का बहुत ही वधिया रोल है, तो सारे जिन्हें भी कलाकार से मूवी से बहुत वधिया इंटरैक्ट करते हैं, बहुत छेती सीख जाते हैं, मैं कुछ भी इन्हों पुछू ना कि हाउ आर यू एट लेन और जवाब भी देंगे हाउ आर यू बड़ी कुछ के अंबले ने हाँ देखो पूछा तू पूछ के अंबले ने सर ताडी इन्हां दी मुलाकात किद्दां होई मुलाकात? They are asking how did we meet? Oh, yes, we met through this movie. Okay, we हम लोग इस मूवी से ही मिले थे. And it was an incredible encounter. I'm very grateful to have been in such an amazing team. I was trained by Upasana ji,
for my acting. I was very well guided by the director, Sudeep sir, so I feel incredibly grateful. And this movie is like a dream come true to me. ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹਰਨਾਜ ਸੀਗੀ, ਸਹਿ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।